श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 27 नवंबर नूं मुड़ चोण होण जा रही है। हैरानी वाली गल ए है कि केंद्र सरकार ने हुण पिछले साल कीती गई चोण नूं मानता दित्ती है, जिसका मतलब ए है कि श्रोमणी कमेटी के अहुदेदार बगैर मानता प्राप्त ही सारा साल काम करते रहे। फिलहाल श्रोमणी कमेटी के अहुदेदारां दी चोण लई 27 नवंबर नूं जनरल इजलास होण जा रहा है। उधर केंद्र ने साल 2018-19 विच अहुदेदारां दी होई चोण संबंधी नोटिफिकेशन हुण एक वरे बाद जारी किया है। 19 नवंबर नूं जारी किए गए नोटिफिकेशन तहत सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 के नियम 11 के उपनियम 2 तहत 13 नवंबर 2018 नूं श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते होर अहुदेदारां दी कीती गई चोण नूं मानता दित्ती गई है। इस नोटिफिकेशन मुताबिक गोबिंद सिंह लौंगोवाल प्रधान, रघुजीत सिंह विरक नूं सीनियर मीत प्रधान, बिक्कर सिंह चन्नू नूं जूनियर मीत प्रधान अते गुरबचन सिंह करमूवाल नूं जनरल सकत्तर समेत 11 मैंबरी अंतरिम कमेटी के मैंबरां दे नावां नूं मंजूरी दित्ती गई। तुहानूं दस दईए कि 27 नवंबर नूं होण जा रही चोण विच मौजूदा प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल मुड़ प्रधान बनाए जा सकते हैं। जेकर दावेदारी की गल की जाए तो फिर जथेदार तोता सिंह, बीबी जगीर कौर, संत बलबीर सिंह का नाम सामने आ रहा है। हुण देखना यह होगा कि श्रोमणी कमेटी की अगली बागडोर किसके हाथ में होंगी है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।